हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और आज 23 और 24 अगस्त 2019 की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, स्पॉटलाइट ऑफ करंट अफेयर्स, ये प्रस्तुत करी जा रही है। तो इसे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप इसे रिवाइज जरूर किया करिए, देखा जरूर करिए। और रिविज़न के लिए हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स भी लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। शायद आज शाम आपका वीकली करंट अफेयर्स भी आएगा, तो वीकली करंट अफेयर्स के लिए भी तैयार रहेंगे आप, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं 9121815869 पर मैसेज ड्रॉप करके। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप जाइए और वहां पर लिखिए, टेलीग्राम ओपन करिए और उसमें लिखिए सिलेक्शन मेंटर, और आपको सिलेक्शन मेंटर ओपन करते ही आपको दिख जाएगा हमारा लिंक। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के जितनी भी या दूसरे भी जितने भी वीडियोस मिलते हैं वो आपको प्रॉपरली मैसेजिंग होती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी, किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी, हाल ही में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस हैं राजीव गुबा, राजीव रंजन, पी के सिन्हा एंड अजय कुमार। तो कौन है यहाँ पर करेक्ट आंसर, और शायद आपने अभी तक इसका करेक्ट आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ए, राजीव गुबा, ठीक है। तो राजीव गुबा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर इज राजीव गुबा। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ छोटा सा, मिस्टर गुबा विल रिप्लेस पी के सिन्हा हु वॉज अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी इन 2015। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके पहले पी के सिन्हा जी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, 2015 में इनको अपॉइंट किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी परमिटेड ईपीएफओ एग्जिट फ्रॉम डीएचएफएल फॉर रिकवरिंग हाउ मच पेंडिंग रुपीस। तो कितना लंबित रुपए वसूलने के लिए न्यासी मंडल ने, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने ईपीएफओ को डीएचएफएल से बाहर निकलने की अनुमति दी है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ एंड 800 करोड़। तो करेक्ट आंसर है बेटा इसका, करेक्ट आंसर है 600 करोड़। करेक्ट आंसर क्या है? 600 करोड़, ठीक। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में ईपीएफओ को परमिट किया हुआ है कि डीएचएफएल से बाहर निकले, क्योंकि वो रिकवरी करना चाहते हैं कितने रुपए की, 600 करोड़ रुपए की। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी ध्यान देते हैं जरा। सबसे पहले तो देखते हैं कि लेबर मिनिस्टर इसमें कौन है, एक नाम लिखा हुआ है लेबर मिनिस्टर का, तो लेबर मिनिस्टर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेबर मिनिस्टर कौन है? तो लेबर मिनिस्टर है श्री संतोष कुमार गंगवार, ठीक है। तो लेबर मिनिस्टर कौन है यहाँ पे आपको मिल गए, संतोष कुमार गंगवार। और लिखा हुआ है द प्रपोजल टू डबल द मिनिमम, प्रपोजल टू डबल द मिनिमम पेंशन ऑफ रुपीज 200 हैज़ बिन पुट ऑन होल्ड। 2000 रुपये का जो पेंशन का कह सकते हैं कि प्रपोजल था उसको डबल करने का, उसको होल्ड कर दिया गया है विद लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार। इसका सजेशन जो है वो लेबर मिनिस्टर जो है वो श्रम मंत्री जो हैं संतोष कुमार गंगवार जी ने दिया है। सजेस्टिंग द इशू बी टेकन अप विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये जो 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 इशू है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जो है वो लंबित है, उसके उस पर बातचीत चल रही है। द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ 3 फंड मैनेजर्स टू मैनेज इट्स कॉप्स, और साथ ही साथ बोर्ड ने सलाह दी है कि हमको 3 फंड मैनेजर्स जो है वो रखने चाहिए, और जिसमें से 2 फंड मैनेजर यहाँ पर रखे जा रहे हैं, उनका नाम भी लिखे हुए हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑल्सो अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ यूटीआई एएमसी, तो यूटीआई एएमसी को और एसबीआई म्यूचुअल फंड को ये अपने फंड मैनेजर के रूप में रखे हुए हैं 3 साल के लिए, ठीक है। फॉर इट्स फंड मैनेजर्स फॉर अ 3 ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 से यूटीआई एएमसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कह सकते हैं कि फंड मैनेजर्स के रूप में काम करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक माई फॉरेक्स पार्टनर विद विच इंडियन बैंक टू लॉन्च फॉरेक्स कार्ड ऑन वीजा नेटवर्क। तो पूछा जा रहा है कि वीजा नेटवर्क पर विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए किस भारतीय बैंक के साथ बुक माई फॉरेक्स भागीदार करेगा या भागीदारी करेगा। तो ऑप्शन हैं आपके सामने SBI, एक्सिस, यस बैंक एंड यूको बैंक। तो किसके साथ भागीदारी करने जा रहा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है भैया यस बैंक, ठीक है। किसके साथ करने जा रहा है? यस बैंक के साथ। लिखा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक माई फॉरेक्स इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट मार्केट प्लेस ऑफ फॉरेक्स चेंज एंड रिमिटेंस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बुक माई फॉरेक्स है क्या, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है वो फॉरेक्स एक्सचेंज
के लिए कह सकते हैं कि एंटिटी है, एंटिटी है। आगे लिखा हुआ है ट्रेवलर्स कैन लोड अप टू 10 करेंसीज ऑन द कार्ड। ट्रेवलर्स जो हैं वो एक कार्ड पे 10 करेंसीज, 10 देशों की करेंसी जो है वो लोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच कंट्री हैज़ बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑन एवरेस्ट रीजन। देखिए इसमें प्लास्टिक जो है पूरे विश्व को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करने पर जुटा हुआ है, तो यहाँ पर सभी देश जागरूक होते हुए अपने अपने स्तर पर उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है विच कंट्री हैज़ बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑन एवरेस्ट रीजन, किस देश ने एवरेस्ट क्षेत्र पर एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है इसका नेपाल। करेक्ट आंसर क्या है? नेपाल। तो नेपाल इज़ मार्किंग द विजिट नेपाल कैंपेन नेक्स्ट ईयर विच एम्स टू ड्रॉ 2 मिलियन फॉरेन विजिटर। तो पहली बात तो यहाँ पर ये हो गया कि वो जो एवरेस्ट रीजन में जो प्लास्टिक यूज़ करी जा रही है उसको बैन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनका एक यहाँ पर लक्ष्य भी है नेपाल के कह सकते हैं मिनिस्ट्री का, नेपाल का एक लक्ष्य भी है कि वो अगले साल तक, क्या कह सकते हैं इस जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है उसमें विजिट नेपाल नाम का वो कैंपेन चलाएंगे, जिसमें उनका लक्ष्य है कि वो 2 मिलियन फॉरेन विजिटर्स को यहाँ पर इन्वाइट कर सकें। इन्वाइट कर सकें मतलब अट्रैक्ट कर सकें वे, 2000 कम से कम उनका टारगेट है, 2 मिलियन फॉरेन विजिटर्स का। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च महात्मा गांधी शरबत सेहत बीमा योजना। तो महात्मा गांधी शरबत सेवा बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो इसमें से आपको बताना है कि गुजरात सेहत शरबत बीमा योजना जो है वो किसने शुरू करी है। तो आंसर है इसका भैया पंजाब। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पंजाब। तो ये योजना पंजाब ने शुरू करी है। लिखा हुआ है दिस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कम्बाइंस सेंटर्स आयुष्मान भारत प्लान एंड टू प्रोवाइड एनुअल ट्रीटमेंट अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर इंक्लूडिंग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। यानी इसमें से पूर्व निर्धारित जो अगर कोई रोग है तो उसको भी इंक्लूड किया गया है, और ये आयुष्मान भारत को अपने साथ जोड़ता भी है। और साथ ही साथ विद दिस पंजाब हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू ऑफर मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सच अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। बड़ी मात्रा में किसी भी राज्य के द्वारा अपने अपने राज्य में लागू करने वाला ये पंजाब पहला स्टेट बन गया है। और लिखा है इट विल बेनिफिट अराउंड 46 लाख फैमिलीज कवरिंग 76% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन। यानी ये अपने राज्य के 76% को कवर करते हुए लगभग 46 लाख फैमिलीज को इससे बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है Amazon has opened its largest campus in the world in which Indian states? Amazon, आपने मालूम होगा कि ये एक कंपनी बहुत ही फेमस कंपनी है। तो ये जो कंपनी Amazon है ये अपना सबसे बड़ा कह सकते हैं ऑफिस ओपन कर रही है, कैंपस ओपन कर रही है भारत के किस भारतीय राज्य में? तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं हैदराबाद, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु। तो हैदराबाद, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु में से करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस इन न्यू दिल्ली। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में प्रथम विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है जो कि काइंडनेस जिसका थीम है एक तरीके से कह सकते हैं मोटो है? तो ऑप्शन है इसमें रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद, अमित शाह, वेंकैया नायडू एंड नरेंद्र मोदी। तो चार लोगों का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन चारों में से किसने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस? तो ऑप्शन है आपके चार, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, वेंकैया नायडू एंड नरेंद्र मोदी। और इसका करेक्ट आंसर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति भी हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने, राष्ट्रपति महोदय ने, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया है यहाँ पर इनॉग्रेट किया है किसको? प्रथम विश्व युवा सम्मेलन को। तो यहाँ पे लिखा ऑन 23 अगस्त द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस एट विजय भवन इन न्यू दिल्ली। द प्रेसिडेंट एड्रेस द इवेंट सेलिब्रेटिंग 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ऑन द थीम वसुधैव कुटुंबकम गांधी फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ये कह सकते हैं कि इस मीटिंग की थीम है 150वीं एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की आने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर एक तरीके से एक ये सम्मेलन किया गया, इसी थीम पर किया गया। ठीक है, इसकी थीम लास्ट में लिखी है। व्हाट इज द डेडलाइन टू बी सेटअप, व्हाट इज द डेडलाइन सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू बैन सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। अभी थोड़ी देर पहले प्लास्टिक यूज, सिंगल प्लास्टिक यूज के लिए एक देश की बात करी गई थी, आज यहाँ पर
बात करी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित करी है, या लास्ट तिथि समय सीमा क्या निर्धारित करी है। तो ऑप्शंस हैं जनवरी 2, 2019, नवंबर 2, 2019, या दिसंबर 2, 2019, या अक्टूबर 2, 2019। जनवरी 2, 2019, नवंबर 2, 2019, दिसंबर 2, 2019, या अक्टूबर 2, 2019। तो चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जो है दैट इज अक्टूबर 2, 2019। 2 अक्टूबर 2019 जो है इसका करेक्ट आंसर है। लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज डिसाइडेड ऑल रेलवेज यूनिट्स टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक विद लेस देन 50 माइक्रोन थिकनेस फ्रॉम अक्टूबर 2, 2019 इन इट्स परमिशन इन इट्स प्रमाइसिस एंड ट्रेन विद द एम टू अचीव द प्लास्टिक फ्री रेलवे। तो देखिए 2 अक्टूबर 2019 तक 50 माइक्रोन थिकनेस से कम के जो भी पॉलीथीन हैं या प्लास्टिक्स हैं उनका यूज़ करना बंद कर दिया जाएगा प्लास्टिक फ्री रेलवे बनाने के लिए, ठीक है। और ना तो ये ट्रेन में यूज़ होंगी और ना ही कह सकते हैं किसी भी ट्रेन के प्रमाइसेस में यूज़ करी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन डेलीगेट विजिट नेपाल रिसेंटली, हाल ही में किस भारतीय प्रतिनिधि ने नेपाल का दौरा किया है। तो ऑप्शंस हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू एंड नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जो है वो पहला ऑप्शन है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने हाल ही में यहाँ पर लिखा हुआ है कि दौरा किया है, कहाँ का दौरा किया है, नेपाल का। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ये, EAM है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैज़ मेड 2-डे विजिट। तो इन्होंने 2 दिन की यात्रा करी है टू नेपाल और ये यात्रा 21 अगस्त और 22 अगस्त 2019 को ही। टू पार्टिसिपेटिंग विद फिफ्थ ज्वाइंट कमीशन मीटिंग 2019 बिटवीन टू कंट्रीज एंड दिस इज जयशंकर्स फर्स्ट विजिट टू नेपाल सिंस ही अज्यूम्ड हिज ऑफिस ऑन जून 2019। जून 2019 से इन्होंने जब से अपना ऑफिस ग्रहण किया है, यानी कि जब से ये मंत्री बने हैं, तब से पहली बार नेपाल का ये इनका दौरा है। अगला है क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ रिसेंटली परमिटेड वुमेन टू ट्रेवल अब्रॉड विद मेल गार्जियंस परमिशन विदाउट मेल गार्जियंस परमिशन। तो कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में महिलाओं को पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना विदेशी यात्रा की अनुमति दी है। तो सऊदी अरब, UAE, बहरीन एंड कुवैत। यानी आपको बताना है कि अभी तक कौन सा ऐसा देश था जिसमें महिलाओं को विदेश यात्रा करने के लिए किसी पुरुष अभिभावक की अनुमति लेनी होती थी और अब ये नियम जो है वो बंद कर दिया गया है। तो किस देश ने नियम हटा दिया है, ये है देश सऊदी अरेबिया। कौन सा है ये, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरब में अब महिलाओं को विदेश यात्रा करने के लिए पुरुष अभिभावकों की आज्ञा या अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2019 एज पर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। मूडीज आपने कंपनी का नाम देखा होगा, रेटिंग कंपनी है ये। तो मूडीज रेटिंग कंपनी इन्वेस्टर सर्विस जो है उसके अनुसार 2019 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या रहेगा। तो 2019 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद ऑप्शंस दिए हुए 6.7, 6.2, 6.5 एंड 6.3। तो करेक्ट आंसर है इसका 6.2। करेक्ट आंसर क्या है, 6.2। तो ऑन August 23, 2019 मूडीज इन्वेस्टर सर्विस रिड्यूस्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2019 कैलेंडर ईयर टू 6.2 फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेशन ऑफ 6.8%। तो पहले इसने एस्टिमेट किया था 6.8% का और अब जो है GDP का ग्रोथ रेट घटा करके 6.2 एस्टिमेट किया गया है मूडीज़ के द्वारा। देखिए ग्लोबल जो कह सकते हैं एक तरीके से जो मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है, उसका असर भारत पर भी पड़ने का ये मूडीज़ ने कह सकते हैं कि ऐलान किया एक तरीके से, ये दिखाते हुए कि भारत की जो रेटिंग है GDP की वो घट जाएगी, 6.2% हो जाएगी। अगला है अब्दुल्ला हमदोक स्वॉन इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक को किस देश का राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो आपको ध्यान देना है किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है अब्दुल्ला हमदोक ने। तो ऑप्शंस हैं आपके पास सूडान, सीरिया, अल्जीरिया एंड इजिप्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सूडान, ठीक है। तो सूडान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अब्दुल्ला हमदोक। On August 20, 2019, इकोनॉमिस्ट अब्दुल्ला हमदोक टुक चार्ज एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान। और ये 15वें प्रधानमंत्री होंगे सूडान के, ठीक है, सूडान के 15वें प्रधानमंत्री हैं।
विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स एयर डिफेंस सिस्टम कॉल्ड भंवर 374 रिसेंटली, हाल ही में किस देश ने भंवर या भावर कह सकते हैं 373 नामक अपनी वायु रक्षण प्रणाली की शुरुआत करी है। भंवर नामक उसने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लागू किया है, कौन सी कंट्री है ये? ऑप्शंस हैं आपके सामने, चाइना, जापान, ईरान एंड रशिया। तो ये करेक्ट आंसर वाली जो करेक्ट आंसर है जिस कंट्री का नाम यहाँ पर है वो है ईरान। द ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ अनवेल्ड इट्स न्यू होम ग्रोन एयर डिफेंस कॉल्ड भंवर 373। तो स्वदेशी निर्मित इसका जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का। एट द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग द टेंशन बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स सिंस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन 2018 विड्रॉ द यूएस फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील 2015 एंड री इम्पोज सेंक्शंस ऑन ईरान। तो ये जो है 2018 में जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने कह सकते हैं कि जो समझौता था बिटवीन न्यूक्लियर डील का जो समझौता है बिटवीन यूएस एंड ईरान, इसको जो है ईरान को हटाया यहाँ से या स्वयं को हटाया है, और इससे जो है आक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ईरान को लगता है कि यूएस कभी भी आक्रमण कर सकता है, तो उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हुए एयर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया जिसका नाम है भंवर 373। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू बैटिंग कोच, हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है या किसे अपॉइंट किया गया था भारत के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, संजय बांगर, मिलिंद सोमन, विक्रम राठौर एंड MSK प्रसाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है यहाँ पर विक्रम राठौर। तो संजय बांगड़ अभी तक हुआ करते थे, संजय बांगड़ को रिप्लेस करके विक्रम राठौर जी जो हैं बने हैं बल्लेबाजी कोच हमारी टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम के। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। अगर आपका मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छे अच्छे प्रयास करेंगे। बहुत कम समय मिलता है सारी चीज़ें, सिलेक्शन मेंटर्स के तमाम सारे मेंटोर जो हैं आपको बता रखा है हमने पहले ही कि सारे जो हमारे यहाँ पे पढ़ाने वाले जितने भी मेंटर्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। बिजी यूँ रहते हैं क्योंकि सभी जॉब कर रहे हैं और बहुत कम समय निकाल पाते हैं आपके लिए यहाँ पर, और उसमें जितना अच्छा देने का प्रयास करते हैं तो हम देते हैं। सो आप लोगों के सहयोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई भी तरीके की आप क्वेश्चन क्वेरी करना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।